असलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको चिकन चाइनीज नूडल्स की रेसिपी देने जा रही हूँ, तो आप इसे जरूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजेदार है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। चाइनीज नूडल बनाने के लिए जो चीजें आपको चाहिए होंगी, उसमें मैंने जो है वो मीडियम साइज की शिमला मिर्च ले ली है। इसके अलावा मैंने जो है वो बोनलेस चिकन का पीस जो है वो क्यूब्स की शेप में काट लिया है। इसके अलावा मैंने एक बड़ा साइज का टमाटर जो है वो लंबाई में काट लिया है। इसके अलावा मैंने दो मीडियम साइज के जो प्याज थे वो इस तरह इस शेप में काट लिए हैं। मैंने 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा केचप ले लिया है, और चिकन मैरिनेट करने के लिए जो है मैंने 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जो है वो खुश धनिया और 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च ली है। इसके अलावा सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस लिया है चिकन मैरिनेट करने के लिए। और इसके अलावा नूडल्स में डालने के लिए मैंने थोड़ी सी जो है दड़ा मिर्च ले ली है। इसके अलावा थोड़ी सी वो काली मिर्च ले ली है, 1/2 टीस्पून मैंने जो है खुश धनिया ले लिया है, और नमक मैंने हसबे ज़रूरत ले लिया है। और इसके अलावा मैंने जो है चाइनीज़ नूडल्स का एक पैकेट ले लिया है। आप इसे किसी भी स्टोर में जाके आसानी से अवेलेबल होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे। अब मैंने एक बाउल ले लिया है जिसके अंदर मैं चिकन के जो पीसेस थे वो डाल दूंगी। इसके अलावा जो मसाले मैंने लिए थे चिकन को मैरिनेट करने के लिए वो डाल दूंगी। और बाकी सारे सॉसेस जो है 1 to 2 टेबल स्पून डाल दूंगी। और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। चिकन मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो अब इसे मैं 10 मिनट के लिए जो है साइड पे छोड़ दूंगी। अब मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने 3 से 4 कप जो है वो पानी डाल दिया है। तो अब इसमें जो है हम नमक डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल देंगे। और इसे जो है तकरीबन 5-4 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए, तब हम इसमें नूडल्स डालें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है, तो अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इसके अंदर नूडल्स डाल देंगे। मैंने नूडल्स को बीच में से तोड़ दिया ताकि ये थोड़े छोटे हो जाएं और पकने में आसानी हो। अब सारे नूडल्स डाल दिए हैं, तो अब इसे हम हाई फ्लेम पे जो है 4 से 5 मिनट तक के लिए अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो हमारे नूडल्स बिल्कुल तैयार हैं। तो अब इनको हम जो है छान लेंगे और ठंडे पानी से इन्हें धो लेंगे। मैंने नूडल्स को छान के ठंडे पानी से धो लिया है, तो अभी बिल्कुल तैयार है। तो अब इनके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये चिपके ना। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल जो है एक देशी में डाल दिया है, और इसके अंदर मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया है। तो अब इसे हम 2 से 3 मिनट जो है वो हाई फ्लेम पे जो है भूनेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन जो है अच्छी तरीके से भुने हो गया है। तो अब इसमें हम लोग जो है प्याज और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। पहले हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड करेंगे और बाद में हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर जो है वो फ्राई करेंगे। चुके हैं और ये अच्छी तरीके से भुने हो गया है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। इसके अलावा हमने जो केचप लिया था वो डाल देंगे। और जो मसाले हमने लिए थे वो डाल देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और तकरीबन मजीद 1 मिनट तक हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे।
हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब इसमें हम नूडल्स डाल देंगे। चाइनीज नूडल्स बन चुके हैं और हमने ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, तो अब इसे हम सर्विंग डिश में डाल देंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी मजेदार चाइनीज चिकन नूडल्स की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर अपने कमेंट्स के जरिए बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।